अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल। सब्जेक्ट ईवीएस 2 स्टैंडर्ड 4, लेसन नंबर 11, दैट इज कम फ्यूचर ऑफ शाइस्ता खान। दिस चैप्टर इज अबाउट दिस कम फ्यूचर ऑफ शाइस्ता खान, यानी हारे हुए शाइस्ता खान। ओके शाइस्ता खान, नाउ दिस इज शाइस्ता खान कैंपेन। आदिल शाह बीजापुर कुड नॉट फोर्स शिवाजी टू सरेंडर। जो आदिल शाह थे बीजापुर के, वो फोर्स नहीं कर सके शिवाजी को सरेंडर करने के लिए। एवरी सरदार ऑफ बीजापुर हु वाज सेंट अगेंस्ट शिवाजी वाज डिफीटेड। जितने भी बीजापुर के सरदार भेजे गए थे शिवाजी के अगेंस्ट, वो हार गए। आदिल शाह मेड पीस विद शिवाजी एंड गेव रिकॉग्निशन टू हिज इंडिपेंडेंट किंगडम। फिर आदिल शाह ने शिवाजी के साथ एक समझौता किया और उनकी किंगडम को इंडिपेंडेंट करने का। ओके ऑल्दो आदिल शाह हैड गिवन अप फाइटिंग विद शिवाजी, इसी तरह जैसे आदिल शाह ने फाइटिंग अपनी स्टॉप कर दी शिवाजी से, देर वर अटैक फ्रॉम मोगल ऑफ द नॉर्थ। तो शिवाजी को दूसरी तरीके से मोगल नॉर्थ की तरफ से अटैक करने लगे। शिवाजी टर्न हिज अटेंशन नॉर्थवर्ड, शिवाजी का अटेंशन नॉर्थवर्ड की तरफ हो गया। एंड कैरिड आउट अ रेड, और उन्होंने एक रेड डाली उधर नॉर्थ की तरफ ऑफ मोगल एम्पायर औरंगजेब। किसकी तरफ? मोगल एम्पायर जो थे औरंगजेब। औरंगजेब सेंड हिज अंकल, औरंगजेब ने उनके अंकल को भेजा शाइस्ता खान टू पुट एन एंड टू शिवाजी एंड टीच हिम अ लेसन। औरंगजेब ने उनके अंकल को शाइस्ता खान को शिवाजी से लड़ने और उनका खात्मा करने के लिए भेजा। शाइस्ता खान विद अ ह्यूज आर्मी ऑफ 75,000 मैन एंड 100 ऑफ एलिफेंट कैमल्स एंड पीस ऑफ कैनन मार्च ऑन पुणे। शाइस्ता खान अपने 75,000 लोगों को लेकर 100 एलिफेंट कैमल्स और पीस ऑफ कैनन, मतलब आग के गोले जैसा बम रहता है वैसा, लेकर पुणे की तरफ है। ऑन द वे ही कैप्चर द टाउन्स ऑफ शिरवल शिवापुर ससवड़ एंड फाइनली लेड साइज टू द फोर्ट ऑफ पुरंदर। रास्ते में जाते जाते उन्होंने बहुत सारे टाउन्स कैप्चर किए, जिसका नाम अभी मैंने बताया बच्चों, शिरवल शिवापुर ससवड़। ओके और फाइनली वो कहाँ पहुंचे? पुरंदर। द मराठा ट्रूप्स मूव वेरी फास्ट ऑन द स्वीट भीमवाड़ी पोनीज। मराठा ट्रूप के पास छोटे छोटे भीमवाड़ी पोनीज बोलते छोटे छोटे घोड़े थे, वो बहुत फास्ट दौड़ते थे। ओके और उनके पास ज्यादा सामान नहीं रहता था खाने पीने के लिए, वो भी दे आर कैरिंग बाजरा ब्रेड एंड ऑनियंस। वो लोग खाने पीने का भी सामान ज्यादा नहीं लेते थे, बाजरे की रोटी और ऑनियंस खाते थे। टायर टू द कंटिन्यूस हरेसमेंट बाय द मराठा ट्रूप, मराठा ट्रूप से लड़ते उनके हरेसमेंट से टायर्ड होके शाइस्ता खान एट लास्ट राइज द सेज ऑफ पुरंदर। उन्होंने अपना जो घेराव था जो पुरंदर पे उन्होंने जो डाला था डाका, वो लड़ाई के लिए जो वो हटा लिया। ओके फिरोजी नरसल्ला, शाइस्ता खान देन कंटिन्यूज हिज मार्च ऑन पुणे। पुरंदर के बाद वो अपना कौन सा साइड उन्होंने अपना अटेंशन दिया? पुणे। फर्स्ट ही कैप्चर द फोर्ट ऑफ चाकन, पहले उन्होंने पुणे में कौन सा फोर्ट कैप्चर किया? चाकन। फिरोजी नरसल्ला वाउज टू डिफीट द फोर्ट, फिरोजी नरसल्ला जो थे कैंपर थे, उन्होंने चाकन को बचाने के लिए शाइस्ता खान के साथ डिफीट किया, फाइटिंग किया। ओके फॉर टू मंथ ही केप्ट शाइस्ता खान एट बे, बट ही वॉज हेल्पलेस अगेंस्ट द गन्स ऑफ शाइस्ता खान। शाइस्ता खान के पास बहुत सारे गन्स थे, दो महीना उन्होंने फिरोजी नरसल्ला ने फाइट किया और उनको अपने से दूर रखा, लेकिन वो हेल्पलेस ना होने लगे, शाइस्ता खान के पास गन्स थी। इसी वजह से शाइस्ता खान वॉज मच इम्प्रेस विद द वे फिरोजी नरसल्ला डिफीटेड। Defended the fort and offered him service with the Mughals. ये देखकर शाइस्ता खान फिरोजी नरसल्ला से बहुत इम्प्रेस हो गए, उनको बहुत पसंद आई उनकी लड़ाई देखकर, तो उन्होंने उनको ऑफर किया कि वो हमारी तरफ आ जाए, एम्परर मुगल एम्परर के साथ आ जाए। बट ही रिफ्यूज हिज टेम्पलिंग ऑफर, लेकिन फिरोजी नरसल्ला ने उनका जो ऑफर था वो रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया।
शाइस्ता खान इन लाल महल. शाइस्ता खान किस कहाँ पहुंचे? लाल महल. शाइस्ता खान केम टू पुणे एंड मेड अ लाल महल. शिवाजी रेसिडेंस इज हेडक्वार्टर. शाइस्ता खान लाल महल में पहुंचे और उन्होंने अपना वो हेडक्वार्टर बना लिया जो पहले से ही शिवाजी का था. वन ईयर पास देन अनादर ईयर. एक साल गुजर गया फिर दूसरे साल में. शाइस्ता खान वुड नॉट लीव पुणे. एक साल गुजर गया लेकिन शाइस्ता खान पुणे से बाहर नहीं गए. उन्होंने पुणे नहीं छोड़ा. ऑन द कॉन्ट्ररी हिज ट्रूप्स वुड सेट शिवाजी टेरिटरी डिस्ट्रॉय रेड शिवाजी टेरिटरी डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड टेक अवे द कैटल. शाइस्ता खान के जो फॉलोअर्स थे उनके जो सेना थी वो पूरा शिवाजी का जो क्रॉप्स वगैरह है कैटल्स वगैरह पूरा डिस्ट्रॉय करने लगे. ही स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग द सराउंडिंग कंट्री साइड और वो पूरा कंट्री साइड भी डिस्ट्रॉय करने लगे. अ बोल्ड प्लान. शिवाजी ने एक बोल्ड प्लान सोचा शाइस्ता खान को सबक सिखाने के लिए. टू टीच हिम अ लेसन. इन अ वे ही इट वॉज गुड शाइस्ता खान वॉज स्टेइंग इन अ लाल महल. शिवाजी ने बोला सोचा कि ये अच्छी बात है कि शाइस्ता खान लाल महल में. शिवाजी नीव द प्लेस इनसाइड आउटसाइड विथ ऑल द एंट्रेंस एंड एक्सिस टू सीक्रेट पैसेजेस डोर्स एंड विंडोज. लाल महल का जो चप्पा चप्पा है वो शिवाजी को पता था बिकॉज वो शिवाजी का ही हेडक्वार्टर था शिवाजी का ही घर था. ओके तो उनको छुपे हुए रस्ते भी मालूम थे जो सीक्रेट डोर्स थे. शिवाजी देयरफॉर डिसाइडेड टू इंटर लाल महल वन नाइट एंड किल शाइस्ता खान. और शिवाजी ने क्या सोचा कि एक दिन लाल महल में इंटर होकर शाइस्ता खान का खात्मा कर दें. देयर वॉज इंडीड अ वेरी बोल्ड प्लान. ये एक बहुत बोल्ड प्लान था. लाल महल वॉज सो वेल गार्डेज. लाल महल बहुत था एकदम भारी पैरे से घेरा हुआ था. 75,000 ट्रूप्स वेर कैंपेनिंग आउटसाइड द पैलेस. 75,000 मैन जो थे वहां का पहरा दे रहे थे. ओके वहां पर लाल महल में शिवाजी ने डिसाइड किया लाल महल में इंटर करने के लिए ऑन द नाइट ऑफ 5 अप्रैल 1663. 1663 अप्रैल की नाइट में शिवाजी ने डिसाइड किया कि वो लाल महल में एंटर होंगे. वहां पर एक मैरिज प्रोसेशन चल रहा था. ओके हंड्रेड ऑफ पीपल ड्रेस्ड इन द फाइन क्लोथ इन द प्रोसेशन. वहां पर बहुत सारे 100 से ज्यादा लोग थे जो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे मैरिज जहाँ पर मैरिज प्रोसेशन चल रहा था. शिवाजी विथ हिज बैंड ऑफ ट्रस्टेड फॉलोअर ज्वाइंड द प्रोसेशन टू गिव द इम्प्रेशन दैट दे वेर अ पार्ट ऑफ इट. शिवाजी और उनके आदमी भी उसी तरह ड्रेसअप करके उनमें ज्वाइंट हो गए ताकि ऐसा लगे कि वो भी बारात ही है. आफ्टर सम द प्रोसेशन प्रोसीड ऑन इट्स वे बट शिवाजी एंड इट्स मैन मूव अवे क्वाइटली. वो प्रोसेशन वैसे ही चल रहा था बारात वैसे ही जा रही थी लेकिन शिवाजी और उनके जो आदमी थे वो वहां से निकल गए इन द डायरेक्शन ऑफ लाल महल. कहां कौन से डायरेक्शन में गए वो लोग? लाल महल. शाइस्ता खान वॉज हैड पास्ट अ स्लीप दिस आवर. और ये टाइम पे शाइस्ता खान सोए हुए थे अपने चैम्बर में. शाइस्ता खान लर्न ए लेसन. ये टाइम पे शाइस्ता खान को शिवाजी ने कैसे लेसन दिया देखो. शिवाजी मेड अ होल इन द वॉल एंड एंटर्ड लाल महल. शिवाजी ने लाल महल की दीवार पर एक होल किया और अंदर चले गए. ही हैड नो डाउट इन फाइंडिंग हिज वे अबाउट. शिवाजी को कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं हुई अंदर जाने बिकॉज इट वॉज आफ्टर हिज ओन हाउस. वो उन्हीं का घर था. द खान्स बॉडीगार्ड वेयर हाफ अस्लीप. खान्स के जो बॉडीगार्ड थे वो सोए हुए थे. शिवाजी फॉलोवर टाइड देम अप. उनको शिवाजी के फॉलोवर्स ने बांध दिया. शिवाजी वेंट डीपर इनसाइड सडनली समवन रश्ड एट हिम विद अ सॉर्ड. और इतने में ही एक इंसान उनके सामने आ गया. शिवाजी किल्ड हिम. शिवाजी ने उसे मार दिया. ही थॉट इट वॉज शाइस्ता खान. उनको लगा कि वो शाइस्ता खान है बट इट वॉज अ सन. वो शाइस्ता खान के बेटे थे. आफ्टर अ सम टाइम शिवाजी इंटर इन द शाइस्ता खान चेम्बर एंड शाइस्ता खान शाउटेड वेरी फ्रेंडली दैट द डेविल द डेविल.
थोड़ी देर बाद जब शिवाजी शाइस्ता खान के चेम्बर में एंटर हुए तो शाइस्ता खान ने शिवाजी को देखा और चिल्लाने लगा, द डेविल डेविल, एंड ही मूव टू द विंडो टू सेव हिज लाइफ। और वो विंडो की तरफ शाइस्ता खान भागे और अपनी जान बचाने के लिए वो विंडो के जरिए कूदने लगे। एट दैट टाइम शिवाजी कट हिज थ्री फिंगर विथ हिज सॉर्ड। और वही टाइम पर वो शाइस्ता खान अपना बचाव करने के लिए जब विंडो से बाहर कूदने लगे और शाइस्ता खान अपनी सेफ साइड करने लगे, वो टाइम पर शिवाजी ने अपनी सॉर्ड अपनी तलवार निकाला और उनकी तलवार से उसकी थ्री फिंगर कट गई एंड ही सेव हिज लाइफ। और उसकी जान बच गई, किसकी? शाइस्ता खान की। दिस आफ्टर द सम टाइम द एम्परर मुगल एम्परर औरंगजेब हियर दिस ऑल, ये सब मुगल एम्परर को पता चला एंड ही डिसाइडेड टू ट्रांसफर शाइस्ता खान बंगाल। और मुगल एम्परर औरंगजेब ने शाइस्ता खान को कहाँ सेंड कर दिया? बंगाल में। ओके, एंड अगेन शिवाजी कैप्चर हिज ओन लाल महल। और थोड़ी देर में शिवाजी ने अपने लाल महल कैप्चर कर लिया और वापस से उन्होंने और एक बाजी जीत ली। लाइक दिस शिवाजी हैड कैप्चर हिज ओन लाल महल अगेन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट। गुड बाय।